हमारी वो सरकार जिसको हमने चुना था उसको उसको गिरा दिया गया। जब हमारे यहाँ पर हमारा लोकतंत्र बिक गया, हमारे अधिकार बिक गए, ऐसे लोग खरीद फरोख में लगे रहे, और जिस समय हमें जरूरत थी, लॉकडाउन के समय में जरूरत थी, हमें आर्थिक मदद की जरूरत थी, उस समय ये लोग खरीद फरोख में लगे थे। सही कहा भैया, खरीद फरोख में लगे हुए थे, लाखों हजारों की संख्या में लोग पैदल जा रहे थे, मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी पैदल जा रहे थे, पांव के छाले, भूखे मर रहे थे, लोग लोग पेड़ों के नीचे आकर मर रहे थे, लेकिन यह सरकार खरीद फरोख में लगी हुई थी। जहां हमारी सरकार जिसको हमने हमारे अधिकार से चुना था कि वो हमारे लिए काम करेगी, उस समय ये लोग उसे बेचने खरीदने में लगे हुए थे। लेकिन भैया, जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है, समझे ना। अब हमारे पास एक बार और मौका आया है हमें अपनी शक्ति दिखाने का, और वो शक्ति है वोट की शक्ति। इसलिए हमें एक बार फिर से सही सरकार चुननी है, ईमानदार सरकार चुननी है, यानी कि कमलनाथ सरकार। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। क्या चल रहा है जैसे तो
रुपया क्या चल रहा है? अरे देश में कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और फिर भी तुम पूछ रहे हो यार क्या चल रहा है? अजीब इंसान हो। माफी चाहता हूँ भैया, मैं भूल गया था। क्या करें, जब से ये लॉकडाउन लगा है कितनी समस्याएं बढ़ी है, और ऊपर से हमारी वो सरकार जिसको हमने चुना था उसको गिरा दिया गया। जब हमारे यहाँ पर हमारा लोकतंत्र बिक गया, हमारे अधिकार बिक गए, ऐसे लोग खरीद फरोख में लगे रहे, और जिस समय हमें जरूरत थी, लॉकडाउन के समय में जरूरत थी, हमें आर्थिक मदद की जरूरत थी, उस समय ये लोग खरीद फरोख में लगे थे। सही कहा भैया, खरीद फरोख में लगे हुए थे, लाखों हजारों की संख्या में लोग पैदल जा रहे थे, मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी पैदल जा रहे थे, पांव के छाले, भूखे मर रहे थे, लोग पेड़ों के नीचे आकर मर रहे थे, लेकिन यह सरकार खरीद फरोख में लगी हुई थी। जहां हमारी सरकार जिसको हमने हमारे अधिकार से चुना था कि वो हमारे लिए काम करेगी, उस समय ये लोग उसे बेचने खरीदने में लगे हुए थे। लेकिन भैया, जनता सब देख रही है और जनता सब समझ रही है, समझे ना? अब हमारे पास एक बार और मौका आया है हमें अपनी शक्ति दिखाने का, और वो शक्ति है वोट की शक्ति। इसलिए हमें एक बार फिर से सही सरकार चुननी है, ईमानदार सरकार चुननी है, यानी कि कमलनाथ सरकार। बिल्कुल सही कहा आपने भैया, हमने अपने अधिकार से हमारी सरकार को चुना था उनके काम देखकर, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था ना। लेकिन वो समझते हैं कि हमारे अधिकारों को बेचकर, हमारे वोट के अधिकार को बेचकर वो दोबारा से खरीद लेंगे। नहीं, अब नहीं होगा, अब हम उनको सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी, कमलनाथ सरकार फिर आएगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए। राम राम दत्ता, राम राम भैया, राम सत श्री अकाल बजे, सत श्री अकाल भाई। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई सब लोग एक साथ गांव की चौपाल पर? अरे अच्छा, चुनाव आने वाले हैं और आपको तो पता है कि हमारी जनता के साथ हमारे साथ कितनी धोखाधड़ी हुई। अब हम सबको मिलकर एक साथ फैसला करना है, अब आप ही बताएं। यही तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि हमने जिस सरकार को चुना 15 महीने में, उस सरकार ने क्या क्या किया मैं बताता हूँ भैया जी। अरे गांव के बुजुर्ग के नाते मैंने तो ये देखा है, किसानों का कर्ज माफ किसने किया? और किसानों के लिए पंप स्प्रिंकलर योजना, सिंचाई योजना कौन लेकर आया? कमलनाथ सरकार। और भैया भू माफियों को किसने भगाया? कमलनाथ सरकार ने। कन्या विवाह की 51,000 रूपए राशि किसने की? कमलनाथ सरकार ने। और तो और मिलावटखोरी दूर किसने की? कमलनाथ सरकार ने। 100 रूपए में 100 यूनिट बिजली किसने दी? कमलनाथ सरकार ने। और भैया हमारे प्रदेश में 70% रोजगार की योजना कौन लेकर आए? कमलनाथ सरकार लेकर आई, कमलनाथ की सरकार ने। तो भैया मैं इसीलिए कहता हूँ, वोट देना हमारा अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। वोट हमें ऐसे आदमी को दे, बिकने वालों को नहीं, गद्दारों को नहीं। जिस समय कोरोना काल में हमें आर्थिक स्थिति की मदद चाहिए थी, आर्थिक मदद तो नहीं मिली, ऊपर से कमलनाथ जी की सरकार को गिरा के गद्दारों ने। मैं तो कहता हूँ भैया, जनता सबक सिखाएगी, कमलनाथ सरकार फिर आएगी। जनता सबक सिखाएगी, कमलनाथ सरकार फिर आएगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो वचन दिए, कमलनाथ जी ने पूरे किए। कांग्रेस ने